नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 51 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी ये सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका हम लोग को कह रहा है रूट्स फाइंड करने के लिए। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस। क्या है बताइए, रूट अंडर 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। देखिए रूट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वेशन किसके किस वेरिएबल पे है, एक्स पे है। एक्स का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो दोस्तों आप लोग जानते भी होंगे कि देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कि रूट टू इंटू फाइव रूट अंडर टू। नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एंड लास्ट को, एक्स स्क्वायर हम लोग बाद में भी देख सकते हैं। इसी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू रूट टू। तो ये हो जाएगा रूट अंडर टू का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू टू, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 10 आ जाए। और उसी दोनों नंबर को एड या सब्ट्रैक्ट करने में क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। तो 7 हम लोग को मिलना चाहिए प्लस या माइनस करने पर। ओके, हम लोग क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए 10 है तो 10 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो 2 में हम लोग यदि 5 यदि ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये दो नंबर हो गया, पहला नंबर हो गया 2 और दूसरा नंबर हो गया 5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि फर्स्ट को तो हम एज इट इज कॉपी करेंगे रूट अंडर 2x² प्लस 7x को आप लिख सकते हैं 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। देखिए 2x प्लस 5x प्लस ये हो जाएगा 5 रूट अंडर 2 इक्वल टू 0। या फिर समझ सकते हैं कि 2x प्लस 5x हो जाएगा 7x, और इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10 x इंटू x हो जाएगा x² यहाँ से भी यही चीज आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x². अब यहाँ पे सिंपल क्या है, हम लोगों को यहाँ पे कॉमन लेना है। यहाँ पे देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रूट टू है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके टर्म में ब्रेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये रूट अंडर 2x² प्लस ये 2x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 × x प्लस। अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, इसलिए ताकि यहाँ पे कॉमन आने में हम लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग क्या कॉमन आ रहा है बताइए, √2x यहाँ भी है, √2x यहाँ भी है। तो रूट अंडर 2x यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो √2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस ये √2x यहाँ से हट गया तो बचा √2 प्लस इस नाम से कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कॉमन, तो 5 ले लीजिए। यहाँ बचेगा x प्लस ये √2 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि एक्स प्लस √2 यहाँ है और एक्स प्लस √2 यहाँ है, तो इस दोनों टर्म में से हम लोग क्या मिल रहा है कॉमन, एक्स प्लस √2 मिल रहा है। तो ये एक्स प्लस √2 और यहाँ बचा √2x प्लस 5, √2x और ये प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका दो फैक्टर आ गया, यहाँ पे पहला ये दूसरा ये। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस √2 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा माइनस √2। लिखेंगे इफ सेकेंड पार्ट, देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर 2x, देखिए रूट अंडर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से √2x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस 5। एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 अपॉन में रूट अंडर 2। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 5 अपॉन √2,
इसको ऑपरेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग को माइनस फाइव अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू। रूट टू से हम लोग क्या मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में एडिशनल पार्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव रूट इन टू अपॉन में टू। तो हम लोग रूट्स देखिए, पहला रूट जो हो गया ये हो गया माइनस रूट इन टू, और सेकेंड रूट हो गया माइनस फाइव रूट इन टू अपॉन में टू। देखिए देयर फोर रूट्स आर ये हो जाएगा माइनस रूट इन टू कॉमा माइनस फाइव रूट इन टू अपॉन में। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए, और मुझे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।